हाउस बुला लेते हैं, तो आप कभी भी हाउस बुला सकते हैं, अपनी तैयारी करें। और ये जो 1 अगस्त 2024 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, तो इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाएं, हाउस बुलाएं मतलब, और मालूम भी पड़ जाएगा कि हाउस में सभी दलों के का क्या स्टैंड है। और मुझे क्या लगता है कि ये इनको जल्दी करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। वरना जिन राज्यों में अब जल्दी ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, तो इन वर्गों के लोग ना बीजेपी को माफ़ करेंगे, ना कांग्रेस को, ना अन्य पार्टियों को माफ़ करेंगे, क्योंकि इन्होंने इस बार जो 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं उसमें इन वर्गों के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात किया, धोखा दिया है। इनको कहा कि हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण आपका खत्म हो जाएगा, अब ये चुप क्यों हैं, अब ये लोग चुप क्यों हैं? तो लेकिन इससे साफ जाहिर है ना ये संविधान को बचाने वाले हैं, ना आरक्षण को बचाने वाले हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा आरक्षण को लेकर ये जो संविधान को दिखाते घूम रहे थे सभी पार्टियों के लोग, अब क्यों नहीं संविधान को दिखा रहे हैं, अब क्यों नहीं आरक्षण की बात कर रहे हैं कि इनका आरक्षण जो निष्प्रभावी हो गया है, तो इसको प्रभावी बनाने के लिए इनको पार्लियामेंट का सत्र जल्दी ही शॉर्ट नोटिस में इनको बुलाना चाहिए और अपनी स्थिति बीजेपी की सरकार को क्लियर करनी चाहिए और बाकी पार्टियों को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। क्योंकि ये कुछ जरूरी बातें बुलाने के कहने के लिए मैंने आज आप लोगों को तकलीफ दी है, हालांकि इससे भी मैंने